दे से। अच्छा जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और ये सारे सिंपल वाले हैं और आपकी बुक वाले हैं, ठीक है। तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दे से वी हैव डन ओवर ड्यूटी, दे से कॉमे की जगह दैट, वही चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, दे आ जाएगा। अब से हो तो आगे टेंस चेंज नहीं होता, तो जो हैव है वो हैव ही रहेगा, दे हैव डन ओवर जाएगा दे के पास, सेकंड फॉर्म ले आएगा देयर ड्यूटी, ठीक है। शी सेज कॉमे की जगह दैट, वी जो है वो सब्जेक्ट शी के साथ चेंज हो गया और टेंस पीछे से आगे चेंज नहीं करेंगे, हैज हैव वाला टेंस हैज हैव में ही रहेगा, लेकिन शी के साथ हैव नहीं होता बल्कि हैज होता है। शी हैज शिफ्टेड टू अनदर हाउस, बाकी वैसे ही लिख देंगे। द टीचर विल से कोमे की जगह दैट, अब यू जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर मैंने बताया था आई आ जाता है उसकी जगह आई, और आई के साथ हैव ही आएगा, हैड नहीं करना क्योंकि पीछे से है, से हो तो अगला टेंस चेंज नहीं होता। हैव डन और योर की जगह, योर इधर आएगा कुछ नहीं है तो आई समझना उसकी जगह, आई की सेकंड फॉर्म माई, माई वर्क वेरी वेल, बाकी सारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ही से कॉमे की जगह दैट, शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता अगले हिस्से में आ जाए तो, और पीछे से है उसकी वजह से ये टेंस भी चेंज नहीं होगा। शी हैज़ रिटन, मी जाएगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म लेगा वहाँ से, हिम अ वेरी इनकरेजिंग लेटर। शी सेज कॉमे की जगह दैट, शी सेज, अच्छा बच्चों ये चीज़ देख लें, वही जो है ना वो ज़्यादा के लिए होता है, अब ये इसके साथ चेंज नहीं हो सकता तो ये याद रख लें, इसकी जगह दे लगाना है आपने, ठीक है। और पीछे सेज है, टेंस चेंज नहीं होगा। लव एंड रिस्पेक्ट, तो दे है तो दे के लिए देयर बनेगा, शुरू में नहीं लेके जाना, बस ये एक चीज़ याद रख लें, अगर वही होगा ना उसकी जगह दे ही लगाना है आपने। देयर नेबर वेरी मच, शी सेड, शी हैज़ सेड, अब पीछे ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, टेंस आगे चेंज नहीं करना, चाहे ये सेड भी है। कॉमे की जगह दैट, शी थर्ड पर्सन है, अगले हिस्से में आए तो चेंज नहीं होता। शी इज एम आर, वाज वर नहीं करना कि ये सेड है, सेड नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पीछे प्रेजेंट है, हैज़ है प्रेजेंट होता है। शी इज़ रेडी टू अकंपनी आस, जो है वो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लेगा हर, टू कराची, ठीक है। ही सेज ही हैज सेड दैट शी इज रेडी टू कंपनी, शी इज रेडी टू कंपनी हर टू कराची, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ ज़रा देख लें, जैसे मैंने यहाँ बताया कि वी हो ना तो दे बनेगा, ऐसे ही यहाँ अस ज़्यादा को ज़ाहर कर रहा है, तो यहाँ भी हर की बजाय देम लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, देर टू देर, वी ओवर अस, अच्छा तीसरी फॉर्म है देम, ठीक है, क्योंकि अस ज़्यादा को ज़ाहर कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा है हट के है ज़रा, लेकिन इसको आप जहन में बिठा लें ज़रा, ठीक है। ये वाला भी वी की जगह दे ही लगाना है, और यहाँ भी इसी तरह, यहाँ भी शी तो चेंज नहीं होगा लेकिन अस जो है वो बात कर रही है ज़्यादा की, कि वो उनके साथ, तो देम आ जाएगा इसकी जगह।
ही सेज आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज अबाउट हर। ही सेज कॉमे की जगह दैट आई जाएगा ही के पास, टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन हैज हो जाएगा। हैज नॉट हर्ड द न्यूज अबाउट हर थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, यानी सारा हिस्सा अगला ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इसके जो सिंपल वाले ना आपकी जो ग्रामर है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये वो वाले हैं सारे। ठीक है, द डॉक्टर सेज, द डॉक्टर सेज कॉमे की जगह दैट, जो ऐसे नाम होते हैं वो चेंज नहीं होते। द पेशेंट, अब पीछे सेज है, टेंस चेंज नहीं होगा। पेशेंट इज स्टिल इन ए स्टेट ऑफ कोमा। ठीक है, द टीचर सेज, द टीचर सेज कोमे की जगह दैट, शी चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, और हैज़ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेज आ गया पीछे। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, वैसे ही आ जाएगा सारा। शी विल से कोमे की जगह दैट, ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, और पीछे से है, टेंस भी चेंज नहीं होगा, वरना डिड नॉट पता ना हैड हो जाता है, तो ही डिड नॉट ही रहेगा। ही डिड नॉट कम अप टू, मैं जाएगा शुरू में, हर ले लेगा वहाँ से, हर एक्सपेक्टेशंस। शी सेज कॉमे की जगह दैट, आई जाएगा शी के पास, होप, अब ये फर्स्ट फॉर्म है, टेंस चेंज नहीं होगा, तो शी के साथ एस वाली फॉर्म लगती है। आई फिर जाएगा शी के पास, एम है, इज एम आर लगेगा, शी इज नॉट लेट। ठीक है, ही सेज कोमे की जगह दैट, आई चेंज होगा ही के साथ, और फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन ही के साथ एस वाली फॉर्म होती है। ही वांट्स टू स्पीक टू, अब यू है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी जगह मी आएगा, क्योंकि यहाँ ये थर्ड आई यू योर यू ना, तो लास्ट पे हो तो थर्ड होता है फॉर्म, तो आई मैंने कहा था अगर ना हो तो आई आपने फर्ज करना है, तो आई की तीसरी फॉर्म मी होती है। यू हैव सेड, ये फिर पीछे प्रेजेंट है, सेड को नहीं देखना आपने, ही देखना ये हैज हैव प्रेजेंट है। कॉमिक जगह दैट, दे थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं करना, आर भी चेंज नहीं करना, वेटिंग आउटसाइड। यू विल से कॉमे की जगह दैट, शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, इस एम आर हो तो चेंज नहीं करना क्योंकि पीछे से है, शी इज क्रैंकी। कहते ना क्रैक है जी, फौजी क्रैक, इस तरह का लफज बोला जाता है, तो शायद इस तरह की कोई लड़की है तो वो भी क्रैक ही लग रही है मुझे। ठीक है, तो ये होगी, इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ठीक है।